हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेपरेबल फॉर्म की हो उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फॉर्म हो उस तरह उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें हम उस इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंशियल इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्म जो होती है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी, ये होती है हमारे पास। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड दो केस हैं। फर्स्ट केस, जब व्हेन ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल बी, यानी इस कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। और केस सेकंड होता है हमारे पास जब a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी हो, यानी इनका जो रेशियो हो सेम हो, तब उस कंडीशन में किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं जब इस फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में होने के लिए हम लेते हैं लेट इस फॉर्म में हो तो x बराबर x कैपिटल x प्लस h एंड y बराबर कैपिटल y प्लस k, और जहां पे h और k को किस तरह से एज्यूम किया जाता है, जहां पे a h प्लस b k प्लस c इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको यहां से समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। सर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहां से अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये यहां से इन दोनों के हेल्प से कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू, यानी यहां से हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स बराबर तो इसका तो डी एक्स बराबर डी एक्स आ जाएगा, और इससे क्या करेंगे तो डी वाई बराबर कैपिटल डी वाई आ जाएगा। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस एच प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी, और यहां से ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी। तो फ्रेंड्स यहां से ये हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच बी के ए एच प्लस बी के प्लस सी, और ये अगर देखें तो यह आ जाएगी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, यहां से अगर देखें ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी। अब यहां पे हम एच और के को इस तरह से एज्यूम करते हैं कि ये जो ए एक्स प्लस बी के प्लस सी ये दो जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, यानी हमारे पास यहां से दो केस हो जाते हैं कि ए एच प्लस बी के प्लस सी एंड इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स सॉरी ए एच बी के प्लस कैपिटल सी इक्वल टू जीरो, यानी ये जब इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एच और के की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेते हैं, तो यहां से हमारे पास ये होने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाती है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाती है फ्रेंड, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं एक्स कॉमन लेते हैं दोनों तरफ से, और ये हो जाती है ए प्लस बी
y upon x and a plus capital B y upon x, ये हो जाता है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ चुकी है। उसके बाद सिंपली जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में वाई और एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। वाई बराबर क्या पुट कर देते हैं, वाई माइनस के और कैपिटल एक्स बराबर, यहाँ से अगर देखें तो एक्स माइनस एच, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जहां से एच और के की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, तो यहां से निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फिर सेकंड केस है हमारे पास, जब ये रेशियो जो हो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब ये रेशियो सेम हो, तो यानी जब हमारे पास ये हो a अपॉन a इक्वल टू b अपॉन b, तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी, और यहां से हम कुछ इस तरह से कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि सपोज इसका रेशियो जो है ये है, यानी a बराबर के a, ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, अगर कैपिटल ए की वैल्यू निकालना चाहे तो कैपिटल ए बराबर हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन के, तो यहां से इसको लिख सकते हैं ए अपॉन के प्लस, इसी तरह से यहां से कैपिटल बी बराबर बी अपॉन के, तो ये एक्स वाई प्लस कैपिटल सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन वन अपॉन के फॉर्म मिल गया, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया। उस कंडीशन में हम ए एक्स प्लस बी वाई को कुछ एक अलग टर्म मान लेते हैं, उस कंडीशन में सोल्व करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई को कुछ टी मान लेते हैं, तो यहां से ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी, और डी और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी जो है डी टी और माइनस, अगर इसको लिखना चाहे तो डी टी माइनस ए अपॉन डी, ये हो जाता है। तो ये वैल्यू हम रख के ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे भी डी टी अपॉन डी एक्स है, डी टी अपॉन डी एक्स, तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स हमारे पास एक जनरल मेथड हो गया। अब इसके हम सॉल्व एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके दोनों मेथड से। फ्रेंड्स मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो बेसिकली कई बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए एग्जांपल होते हैं। सपोज मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल सोल्व करना है हमें x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डी एक्स, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है या डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। जो हमने जनरल मेथड पढ़ा था वो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए पढ़ा था, तो यहां से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया, तो यहां से हो गया हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस वन, डी एक्स को तो हम यहां ले गए और एक्स माइनस वाई को उधर ले जाएंगे। पहले हम चेक करते हैं इनका रेशियो, अगर इनका रेशियो चेक करें तो वन अपॉन वन नॉट इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन, यानी इसके कोएफिशिएंट वन है अपॉन वन, वन एंड माइनस वन, तो वन अपॉन वन नॉट इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन, तो यहाँ से ये हो गया। मतलब जो यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें जो हमने फर्स्ट जो टर्म पढ़ी थी उस तरह से सॉल्व होगा। तो लेट एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई बराबर
कैपिटल वाई प्लस के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एच। इसी तरह यहां पे वाई प्लस के प्लस वन अपॉन यहां पे पुट किया तो एक्स सो कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस वाई माइनस के। अब इसको हम लिख सकते हैं सो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस एच प्लस के प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। यानी इनको हमने सब रीअरेंज कर दिया। तो हमारे पास ये टर्म इसको जीरो के को लेना है, इसको जीरो के को लेना है। तो यहां से हमारे पास दो आ गए एच प्लस के माइनस वन एच प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एच माइनस के इक्वल टू जीरो। तो यहां से एच बराबर के ये हो गया। अभी एच बराबर के अगर यहां पुट करें तो हमारे पास टू एच बराबर वन यानी कि एच बराबर माइनस वन या टू यहाँ पे पुट करेंगे तो टू एच बराबर माइनस वन एच बराबर माइनस वन बाई टू इक्वल टू के क्योंकि दोनों एच और के बराबर हैं। तो एच और के की वैल्यू हमारे पास माइनस वन बाई टू आ चुकी है यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको क्योंकि ये टर्म को हमने जीरो पुट कर लिया हमने तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हमने एक्स कॉमन ले लिया तो हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वाई अपॉन एक्स और यहां से भी हमने कॉमन ले लिया तो वन माइनस वाई अपॉन एक्स और जो कॉमन एक्स आया था वो कट जाएगा। अब हमने लेट वाई अपॉन एक्स बराबर कैपिटल वी। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से वाई बराबर वी एक्स यहां से हम जैसे हमने उसमें पढ़ा था तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो हमने पहले जो इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें पढ़ा था सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार बी को छोड़ा और एक्स को क्या तो वन प्लस एक्स को छोड़ा तो डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहां पे वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। ये हो गया। अब इस वी को इधर ले जाना है तो इस वी को यहां ले जाएंगे तो इधर ये माइनस वी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। अब फिर से एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी और माइनस यहां हो जाएगा वी प्लस वी स्क्वायर। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वी से वी कट जाएगा ये बच गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। तो ये हो गया हमारे पास। अब डी एक्स वाली टर्म को उधर ले जा रहे हो डी वी की टर्म को इधर रख रहे हैं तो वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। जब हम इसको हमने यहाँ पे लाए वन माइनस बी वन प्लस बी स्क्वायर नीचे जाएगा एक्स नीचे जाएगा डी एक्स ऊपर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्टली है टेन इनवर्स वी। अगर इसका देखें तो इसका हमारे पास डायरेक्टली नहीं है बट वन प्लस वी स्क्वायर बराबर एस मान लें तो हमारे पास वी ऑफ डी वी बराबर वन अपॉन टू ऑफ डी एस आ जाएगा वन अपॉन टू वी सॉरी डी एस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू को नीचे रखेंगे वी ऑफ डी वी की जगह ये आ जाएगा वन अपॉन एस ऑफ डी एस आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू
log s। तो अब यहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ऑन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स v माइनस ये हो गए log, ये क्या है 1/2 आगे था, और s s की वैल्यू क्या थी 1+v² माना था हमने, तो 1+v² इक्वल टू log x प्लस log c। ये हो गया हमारे पास log जो c है वो कोई कांस्टेंट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहां पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास tan v क्या थी y अपॉन x, ये हो गया इक्वल टू माइनस 1/2 log 1+ y अपॉन x का स्क्वायर, इक्वल टू log x प्लस log c। अब y और x की वैल्यू क्या थी, y जो थी x बराबर x प्लस h, तो यहां से हमारे पास था x बराबर x माइनस h की वैल्यू क्या थी 1/2, तो ये x प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू y प्लस 1/2 ये हो जाएगा। ऐसे y की वैल्यू अगर यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पे ये आ गया, हमारे पास जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां से tan इनवर्स ये हो गया हमारे पास, y की वैल्यू पुट की तो y प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1/2 माइनस 1/2 log 1 प्लस y प्लस x, तो y प्लस x अगर करें तो हमारे पास x और y, तो x प्लस y और 1/2 1 हो जाएगा, x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। अब फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या log y टर्म को एक साथ लिख दें और यहां पे 1/2 एलसीएम ले लें, सॉरी 2 एलसीएम ले लें, उसको उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, सॉरी जो सॉल्यूशन आया वो ये सॉल्यूशन आया। अब इसके बाद हम इसको कहां तक सॉल्व करें, कहां तक इजी करें, कहां तक इसको, ये हमारी मन की मर्जी है। अब हम यहां तक सॉल्व करके भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, यहां तक ये करेक्ट है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमारे पास सेकंड केस वाली टर्म होगी। सेकंड केस को क्या था, जिसमें रेशियो जो था वो सेम हो। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है dy अपॉन dx बराबर x प्लस h माइनस 1 एंड सॉरी x प्लस y एंड x प्लस y माइनस प्लस 1 ये है। अब फिर यहां पे हमारे पास देखें तो इसके कोएफिशिएंट दोनों के 1-1 है, और इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट y का और y कैपिटल y के दोनों को, सॉरी y के दोनों कोएफिशिएंट जो है वो 1-1 है, इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, बट डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है x प्लस 1 जो है वो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 ये हो गया। तो अगर ये 1 जब उधर जाएगा तो यहां से जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास। तो यहां से इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और ये हो गया प्लस टी प्लस 1। अब यहां पे देखें तो हमारे पास टी से टी कट जाएगा, तो टी से टी सॉरी 1 से 1 कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2t अपॉन
टी प्लस वन। तो यहां से आ गया हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टू टी अपॉन टी प्लस वन, या यहां से हम इसको लिख सकते हैं टी वाले टर्म को इधर ले आए तो टी प्लस वन अपॉन टी और डी टी और इधर टू ऑफ डी एक्स, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे वन प्लस वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू टू ऑफ डी एक्स। अगर इंटीग्रेट कर दें इसको दोनों तरफ से तो इंटीग्रेशन पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेट किया तो याद आएगा हमारे पास टी प्लस लॉग टी इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब 2x को अगर हम इधर लाना चाहें या फिर x प्लस वाई को उधर ले जाना चाहें तो यहां से हो जाएगा log x प्लस वाई, हम इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस x माइनस वाई, ये हो गया। तो ये टोटल बचा x माइनस वाई प्लस सी, ये अगर एंटी लॉग ले लें तो ये हमारे पास x प्लस y बराबर e टू द पावर x माइनस वाई प्लस सी, या e टू द पावर c की जगह हम ए पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड केस था। इससे नेक्स्ट केस जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।